بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله أج هم لوك العسي पिछली क्लास में हम लोगों ने उमैत खिलाफत के एंड तक बात कर ली थी यानी उमैत खिलाफत का खात्मा हो गया था लेकिन उसके बाद जो बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से फिर उमैत खिलाफत जो है वो शाम में और इराक में और ये जो मेन एम्पायर थी वो तो ख़त्म हो गई लेकिन स्पेन में अंदुलस में उस जमाने में उसेलूसिया बोला जाता था तो अंद में जो है वो अब्दुलरहमान Uh, अव्वल uh, जिनको الرحمن, uh, दाखिल भी कहा जाता था उनकी हुकूमत फिर वहाँ पे तकरीबन 800 साल रही मतलब ये कि उनकी हुकूमत तो सिर्फ उनके खानदान की हुकूमत तो uh, uh, तकरीबन दो साल रही लेकिन ये कि फिर मुसलमानों की हुकूमत वहां पे 1492 तक रही जो कि फिर बाद में दोबारा से वहां पे ईसाई आ गए और फ्रेंच और बाकी यूरोपियन असर हो गया था बहरहाल तो अब हम ये जिक्र करेंगे कि उमैयत खिलाफत के बिल्कुल जब खत्म हो रही है तो क्यों खत्म हो रही है उसके थोड़े से रीजन डिस्कस करेंगे और फिर अब्बासी खिलाफत की जो शुरुआत है वो किस बेसिस पे हुई और किस तरह से उनके खलफा यहाँ पे आए और फिर मुसलमानों ने स्पेन में किस तरह से स्पेन में बनो मैया के गवर्नर्स तो होते थे लेकिन ये कि पूरी सल्तनत या पूरी एम्पायर नहीं थी क्योंकि अब यहाँ से मैयत हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी तो फिर स्पेन में एक कायम हो गई थी और, और फिर अब्दुलरहमान अव्वल ने किस तरह से वहाँ पे हुकूमत की तो खिलाफत उम, बनो मैया एटी नाइन की तक रही और उसके बाद ख़त्म हो गई हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए थे आखिर में मरवान बिन मोहम्मद बिन मरवान जो था ये वहां से भाग के निकला था जिसने तकरीबन पांच साल हुकूमत की थी फिर उसको कत्ल कर दिया गया था अब्बासी फौजों के जरिए तो मरवान जो है जो वो कैलिफ बना इसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं तो वो पाँच साल के लिए उसने हुकूमत की लेकिन इस वक्त तक जो कंडीशन थी उम्मीद डायनेस्टी की बहुत वीक हो चुकी थी उसके बहुत सारे रीजंस हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत से रिबेलियन मूवमेंट शुरू हो चुके थे उमैत ख़ानदान के अपने अंदर बहुत सी डिस्प्यूट शुरू हो गए थे बहुत से अख्तिलाफ़ थे उनके अपने अंदर तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और सबसे जो बड़ी रिबेलियन शुरू हुई सबसे बड़ी जो समझे तहरीक शुरू हुई हुकूमत के खिलाफ वो सीरिया ही में हुई जहाँ पे उनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल था तो सीरिया में यमन में और इजिप्ट में और अगर आप तारीख को अगर आप याद करें जितना भी हम लोग ने डिस्कस किया है तो जो मुसलमानों के गढ़ रहे हैं जहाँ से जब हुकूमत वहाँ से अगर वहां पे गई है तो किस तेजी से फैली है और फिर वहां से अगर कोई रिबेलियन शुरू हुआ है तो वो पूरे उम्मत मुस्लिमा में किस तरह से फैला है उनमें सबसे ज्यादा जो है वो सीरिया यमन और इजिप्टी रहे हैं अब्बासी लीडर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आने शुरू हो गए थे और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो तेजी से फैल रहा था बहुत सारी जंगें हुई मरवान जो है वो आखिरी जंग के बाद जो है जंग जैब के बाद वो भाग के इजिप्ट चला गया था लेकिन जो अब्बासी फौजें तैयार हो चुकी थी उन्होंने उसका पीछा किया और उसे जाके वहां पे कत्ल कर दिया था उसका तकरीबन सिक्सटी टू ईयर्स उसकी एज थी अच्छा अब आपको थोड़ा सा मैं इस लिहाज से दिखा देता हूँ कि जैसे मरवान दाम था जो कि पाँच साल हुकूमत करके इसको कत्ल कर दिया गया उसके बाद फिर अब्दुलरम दाखिल ने स्पेन में डायनेस्टी अपनी बनाई ठीक है अब्दुलरमान और उसने तकरीबन थर्टी टू ईयर्स हुकूमत की स्पेन में लेकिन उसके साथ साथ उसके पैरल आप समझ लीजिए कि अब्बासी हुकूमत भी आ चुकी थी इधर और उस वक्त जो है अब्दुल्ला अफफ़ा जो कि हजूर सल्लाम के चचाज़त अब्बास रजी तनों के, के ख़ानदान से था तो वो उसने फिर यहाँ पे आ गया फिर उसने पाँच साल हुकूमत की फिर इसी तरह से वहाँ से चीज़ें शुरू हो गई तो हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से अपने डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं तो ये ये मौका बहुत इम्पॉर्टेंट है कनेक्टिंग द डॉट्स के लिए क्योंकि उमैय डायनेस्टी किस तरह से खत्म हुई किस तरह से अब्बासी डायनेस्टी शुरू हुई और उमैय डायनेस्टी स्पेन में किस तरह से शुरू हुई तो इनका आपस में लिंक क्या था हाउ डज इट ऑल कनेक्ट दैट्स द पॉइंट तो इसको इनशा अपने जहनों में बहुत यानी कि क्लियर तरीके से रखिए ताकि आइंदा आने वाले वाकत सही से समझ में आए इन अच्छा उम्मय जो खिलाफत थी वो ख़त्म क्यों हुई आ, इसमें जो है स्टेबिलिटी कुछ से तक रही लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इन्होंने अपने सारे सिस्टमेटिक जो काम थे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करते थे गवर्नमेंट का एक सिस्टम था वो आहिस्ता आस्ता वीक होता चला गया उसकी एक वजह तो ये थी कि अरब क्योंकि थे ये उमैत डायनेस्टी और इन्होंने अरबिक लैंग्वेज को भी बहुत प्रमोट किया और इन्होंने लेकिन ये कि ये नॉन अरब्स के लिए फिर उन्होंने अरबिक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज भी करार दे दी जिस वजह से थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ नॉन अरब्स में नॉन अरब से मुराद आपके सेंट्रल एशिया वाले ईरान वाले पूरी पर्शियन एम्पायर जहाँ पे थी तो वहाँ पे और जहा जहाँ अभी तक समझिए कि सिंध में और अफगानिस्तान की तरफ और सारे जो मुसलमानों की हुकूमत है या मुसलमान लोग फैल रहे थे उनको ये थोड़ा सा नागवार गुजरा अच्छा अब इनकी हुकूमत में हुकूमत में चूंकि जो जो लीडर थे जो खलफा थे वो अपने और अपने बाल बच्चों के तो समझिए अकाउंट्स भर देते थे पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था बहुत ही लाविश जिंदगी गुजार रहे थे लेकिन जो गरीब थे उनमें ज्यादातर नॉन अरब थे लेकिन अरब भी थे लेकिन इन्होंने किसी का ख्याल नहीं किया तो जाहिर सी बात है किसी भी हुकूमत को अगर इस तरह की इशूज शुरू हो जाए तो फिर उसका डिमाइस सर्टन होता है और ये इन चीजों की वजह से एक गैप क्रिएट हो गया था इलीट्स में और गरीबों में अब गरीबों के पास जब खोने को कुछ नहीं रह जाता जब उनके ऊपर ऑपरेशन इतना ज्यादा हो जाता है तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वो रिबेल करें अपने गवर्नमेंट के खिलाफ और उन लोगों को उतार दें जो लोग पूरे आवाम की टेक केयर नहीं कर रहे और नए लोगों को ले आए तो अब इन लोगों ने इस टाइम को हजूर अक्रम सल्हे वसलम के टाइम से कंपेयर शुर, करना शुरू किया और सहाबा से तो उन्होंने बहुत ही डिफरेंस देखा तो उनके जहनों में अब ये ये सेंस क्रिएट हो रहा है कि ये इस्लामी हुकूमत रही नहीं है मतलब ये कि इसमें जो भी तालीमात थी हजूर सलील वसम की और साहबा कराम की उनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं किया जा रहा तो इस लिहाज से वो इस्लामी हुकूमत नहीं रही अच्छा अगर आप लोगों को याद हो कि खवारिज जो थे वो जिन्होंने हज़रत अली का शुरू में सात दिया रज़ील्लाका और बाद में फिर उनके ख़िलाफ़ हो गए और फिर उनको कत्ल करने में हज़रत इमाम हुसैन को भी कत्ल कर, करने में इन सब का हाथ था तो ये अभी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं इन्होंने अपने पॉकेट्स बनाए हुए हैं और ये वो फोर्स हैं जो हमेशा किसी रेडिकल फोर्स के साथ शामिल हो जाती हैं जहाँ पे खून ख़राबा होता है या जहाँ पे कहिए कि इनको जज्बात को तस्किन का मौका मिलता है तो उन्होंने आग लगाते थे और, को आगे खराप से करते चले जाते थे। और उनके जो स्टैंडर्ड्स है वो बेसिकली जो अपने आप को सही भी समझते थे वो बस वो टोटल सिर्फ और सिर्फ आप हाई स्टैंडर्ड्स रखते थे और वो किसी भी किसी भी छोटी चीज पे यानी हेकमतन कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे और शिया जो थे जो शिय शाहान अली थे शियाने हुसैन थे रद्ला तुन अजमाइन तो वो लोग भी बैकग्राउंड में थे और उनको भी इस चीज का एहसास था अहले बैत से जो है वो खिलाफत नहीं चली और हजरत अली औरत हुसैन तन अजमीन के बाद आ, बनु उमैया ने बेसिकली हाईजैक कर ली थी हुकूमत और वो किसी लिहाज से भी अहल नहीं थे अहल बैत भी नहीं थे और अहल भी नहीं थे इवन दो के हमें ये चीज़ हमारे जहनों में क्लियर रखनी चाहिए कि हजूर अक्कम स अपनी जिंदगी में कभी भी इस बात की इंडिकेशन नहीं दी कि खिलाफत जो है वो मेरे मेरे घर वालों के पास रहेगी हाँ उन्होंने उनकी मरतबे की और उनकी आला जरफ़ी की और उनके की हज़रत अली रजी ताला को बाबुल का ख़िताब मिला लेकिन यह कि यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया गया था कि हुकूमत अहल बैत में सही होगी लेकिन जो शीन अली थे रजील्ल्लो उन लोगों ने इस चीज़ को एक बहुत बड़ा इशू बनाया कि अगर हुकूमत होगी तो सिर्फ पहले बैत से होगी वरना इस्लामी हुकूमत हो ही नहीं सकती तो अब ये एक चैलेंजेस आप समझिए माशरे में क्रिएट हो रहे हैं और आस्ता आ चूंकि अरब हुकूमत जो थी वनोमैया की उन्होंने अपनी गलतियों और अपनी अयाशियों की वजह से अपना नाम ऑलरेडी खराब कर लिया है तो अब जो दूसरी फोर्सेज हैं वो आता आहिस्ता सर उठाना शुरू कर रही है तो हे, ये सिचुएशन अब समझिए चल रही है क्या है कि शियाज वर द सप्रेस्ड रिलीजियस माइनॉरिटी इस्लाम यानी कि इस्लाम की माइनॉरिटी में तो ज्यादातर सुन्नी थे तो वो सप्रेस्ड थे यानी उनको सप्रेस कर दिया जाता था पर्शियंस वर द सप्रेस्ड एथनिक माइनॉरिटी ऑफ इस्लाम जो पर्शियंस थे उनको भी चूंकि हजाज बिन यूसुफ वगैरह के जमाने में आपको याद होगा कि जब उसने इवन के नॉन अरब मुसलमानों से जजिया लेना शुरू कर दिया था तो जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं बनता तो वो बहुत ज्यादा सप्रेशन थी वो लोग बहुत ऑपरेस थे इसी तरह से द शिया वर अगेंस्ट ऑल प्रीवियस रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट तो उन्होंने शियाओं ने जो शियाने ने आली थे उन्होंने पिछले जितनी बनो की हुकूमत थी उन सबको रिजेक्ट किया था किसी एक के ऊपर भी बैत नहीं की थी और पर्शियंस जो हैं वो

उस वक्त अगर आप एक इमेजिन करें तो उस वक्त एक माशरा बहुत ही खराबी की तरफ जा रहा है यानी कि ऑपरेशन है लोगों के आपस में नफरतें हैं रिलीज बेसिस पे भी नफरतें हैं एथनिक बेसिस पे भी नफरतें हैं तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे हालात में कोई हुकूमत कंटिन्यू नहीं कर सकी तो अब क्या हुआ कि अब इन दो लोगों ने यानी शाहान अली रजी तुने और परशियंस ने जो कि नॉन अरब कम्यूनिटी थी जो शियन अली थे वो तो अरब थे सारे और जो ये नॉन अरब कम्यूनिटी इन लोगों ने फिर समझिए आपस में जॉइंट वेंचर किया किसके खिलाफ उमैयद हुकूमत के खिलाफ यानी अरब नॉन अहल बैत हुकूमत के खिलाफ इन लोगों ने आपस में गठजोड़ किया सबसे पहले मतलब ये कि सीक्रेटली और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रिबेलियंस शुरू की रिबलियंस मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ एरियाज में शुरू हुई इजिप्ट में यमन में फिर फाइनली सबसे सीरिया में उससे पहले पर्शियन अम्पायर में ईरान में सेंट्रल एशिया में यहाँ छोटी छोटे रिबलियंस शुरू होना शुरू हो गई थी तकरीबन आप समझिए कि सत्रह सौ पचास से पहले पहले सत्रह पचास सत्रह सौ पचास में सेवनटीन फिफ्टी में तो उमैद हुकूमत के रूल तकरीब ख़त्म हो गया था लेकिन उससे पहले पहले ये चीज़ें अंदर ही अंदर पक रही थी अच्छा अच्छा थोड़ा सा हम पीछे चल के थोड़ा सा अपना एक समझे रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी मेमोरीज के अब्बास अब्दुल मुतलिब ये जो थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे यंग चचा थे सबसे ज़्यादा चो, सबसे छोटे चचा थे इनका इनकी विलादत पाँच फाइव में हुई और इनकी इनका इंतकाल सिक्स में हुआ अच्छा अब्बासिद ने जो है ये स्लोगन शुरू कर दी थी अब देखें अब्बासिद जो थे वो उसूली तौर पे अहल बैत नहीं थे क्योंकि अहल बैत कौन है जो हजरत अली रजी तनों और हज़रत फातमा रजी तन की जो औलादे हैं इन दोनों के मिल के जो औलादे हैं वो अहल बैत शुमार होते हैं लेकिन अब्बासों ने अब्बासियों ने यानी कि सल्म के चचा अब्बास अब्दुल मुत्तलिब ने के खानदान से लोगों ने ये ये स्लोगन शुरू की कि अहैध डिजर्व द राइट ऑफ कैलिफेट तो अब इससे जो है ये शिया शिने अली को तकवीत मिली यानी जो एहले की हुकूमत चाहते थे तो इस तरह से उन दोनों ने आपस में जॉइंट वेंचर कर लिया लेकिन इसको फिर बाद में हम देखेंगे Uh, के क्योंकि uh, वो अहले बैत नहीं थे लेकिन हुकूमत फिर बाद में उन्होंने ले ली इस वजह से फिर दोबारा से एक रिफ्ट शुरू हो गई थी बिटवीन अहले बैत सपोर्टर्स की और अब्बास हुकूमत की अच्छा अब इसके पीछे भी एक चीज़ इनशा हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करें, करेंगे एक कैरेक्टर थे अबो मुस्लिम खुरासानी ये बेसिकली थे पैदा तो ये इराक़ में हुए लेकिन फिर इनको गवर्नर बना के अब्बासी हुकूमत ने वहाँ वहां भेज दिया था मर्फ में यानी ईरान भेज दिया था ताकि वहां पे वो लोगों को जमा कर सकें आप अब लोग अब्दुल अबू मुस्लिम खुरासानी जो है वो ही वाज अ ग्रेट प्लॉटटर बेहतरीन प्लान्स बनाता था बहुत इंटेलिजेंट था ही वाज एक्सपर्ट इन मैनूवरिंग पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्कीम्स यानी कि पॉलिटिकल लोगों को उभारता था फिर उनके दरमियान स्कीम्स बना के उनको ऑप्शंस देता था कि किस तरह से आप लोग उमययद हुकूमत के खिलाफ खड़े हों अच्छा जो लास्ट उमययद कैलफ था मरवान जब उसको मार दिया गया तो uh, सॉरी लास्ट केल जो मरवान था उसने क्या किया था कि उसने अब्बासी मूवमेंट का एक शख्स था इब्राहिम इब्राहिम जो था वो अबू अब्बास जो सफ़ा था उसका भाई था तो उसने जब रिबेलियंस काफी शुरू हुआ तो उसने इब्राहिम को कत्ल करवा दिया अब जब इब्राहिम को कत्ल करवाया तो अब उनका लीडर कौन बन गया उसका जो छोटा भाई था अबू अब्बास जिसको बाद में लखब दिया गया था असफा का यानी कि जो बहुत जो खून खराबा करता है बहुत ज्यादा तो अब ये अबू अब्बास इस मूवमेंट के लीडर बन चुके हैं सीरिया में और इराक में और इन जगहों के फिर एक जो फाइनल वॉर होती है उसको कहते हैं तो द मेन वॉर ऑफ जैब जैब के पास जो ये एक जगह का नाम है गालिबा सीरिया और इराक़ के बॉर्डर के करीब और ये यहाँ पे फिर अब्बासी हुकूमत ने अपनी सारी कमक्स मंगाई सेंट्रल एशिया से ईरान से इजिप्ट से यमन से यहाँ से उन्होंने आस्ता आहिस्ता इनको बेसिकली आ, आ, इसको उमैयत हुकूमत को घेर लिया था और ये एक लाज बहुत ही घमसान की जंग हुई थी और इसमें मरवान ने बहुत जमा मर्दी से लड़ा लेकिन फिर जब फाइनली उनको डिफीट हुई तो वो भाग के चला गया था इजिप्ट में और इजिप्ट में जाके के फिर इन्ही फोर्सेज ने उसको जाके कत्ल कर दिया था अच्छा हम थोड़ा सा अब वो मुस्लिम खुरासानी के बारे में जान लेते हैं क्योंकि उसका कैरेक्टर अब्बासी हुकूमत को लाने में बहुत अहम है अगर ये नहीं होता तो शायद अब्बासी हुकूमत कभी भी कैलिफ़ेट हासिल नहीं कर सकती थी एक जगह है ईरान में में मर्फ के नाम से ये वहां पे कहते हैं वहां पे पैदा हुआ लेकिन फिर बाद में इधर आ गया था इराक की तरफ आ, और फिर यहाँ से दोबारा उसको भेज दिया गया था अब्बासी हुकूमत ने उसको फाइनली गवर्नर बना दिया था वहाँ का एक पूरा मैय हुकूमत का एक गवर्नर था अः गालिबा अभी शायद नाम आएगा लेकिन सैार सैार नाम से कोई था तो उसको हटा के अब्बासी हुकूमत ने इसको गवर्नर बना दिया था और चूंकि इसका जो बचपन गुजरा था वो कोफा और इराक में इराक़ में गुजरा था यानी कोफा में तो अब इसकी जो जह, जहनी आ, समझ थी और जहनी जो जो मोटिवेशन थी वो बेसिकली अहले के साथ थी और के खिलाफ थी और वो ये वो उसको बेसिकली बचपन से उसको जो दी गई थी वो इस तरफ झुकता था तो इसी वजह से उसको फिर अब्बासी हुत ने अपनी सपोर्ट के लिए दोबारा मार भेजा ताकि वहां पे लोगों को जमा करके चारों तरफ से और फिर वो लेकर आए तो यही से पूरी फोर्सेज ये वहां से लेकर आया और फिर ये आके जैब की जो है वो जंग हुई अच्छा अब ये अरब और नॉन अरब में ये फीलिंग शुरू हो चुकी है अब ये सोच रहे हैं कि ये आज का खेल नहीं है ये उसी वक्त शुरू हो गया था जब अरब ने यानी उमै हुकूमत ने जब जुल्म करने शुरू किए थे गरीबों पे और नॉन पे और अरबिया लगाया था और हजाज बिन यूसुफ ने खास तौर से इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था अरब और अजम का एक डिफरेंस क्रिएट करने में जिसकी वजह से अब एक नफरतें कायम हो चुकी थी उमैत जो है लग्जरी लाइफ गुजारते थे और जो भी उनके खिलाफ होता था उसको जेल भेज देते थे और बहरहाल तो मर्व में वो मुस्लिम खुरासानी ने 1747 में उमायद गवर्नर नसर अब्न सैार था नब्न सैार को डिफीट देके वो वहां का गवर्नर बन गया अच्छा आप ये समझे इसका जो जो जहूर होता है यानी कि जो जिसको लोग देखना शुरू करते हैं अब मुस्लिम खुरासानी को वो मर्व में तकरीबन 120 हिजरी में देखना शुरू करते हैं और ये एक शहर है आज का तुर्कमेनिस्तान है उस जमाने में तो पर्शियन एरिया थे लेकिन ये आज का तुर्कमेनिस्तान है जहाँ पे ये एरिया है खुरासान जो है उसका भी हम जिक्र करते रहें और आइंदा भी करते रहेंगे खुरासान बेसिकली आप समझिए कि पार्ट ऑफ ईरान है तुर्कमेनिस्तान है उजबेकिस्तान है ताजिकस्तान है और ज्यादा अफगानिस्तान है ये सारे एरिए को खुरासान कहते थे इसी वजह से बहुत सी पुरानी तारीख की किताबों में खुरासान का नाम आता है अफगानिस्तान का या इस तरह का कोई खास नाम, नाम नाम नहीं आता था तो मुस्लिम खुरासानी ने खुरासान से लोगों को ट्रेन किया रिक्रूट किया और बेसिकली उनके अंदर हाशमाई डॉक्ट्राइन उनके अंदर इंजेक्ट की हाशमाई डॉक्ट्राइन क्या थी वही एलेबैथ वाली अच्छा अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है ये कि उन लोगों ने अपना जो झंडा बनाया वो टोटल ब्लैक था बिल्कुल काला झंडा बनाया यहाँ तक के उन्होंने सारे कपड़े जब उन्होंने पहने तो पूरे उनके कपड़े काले थे साफा काला था और इवन के उन्होंने अपनी तलवारों पर काला रंग कर लिया था क्यों ये उमैयत की नफरत में या उमैत के खिलाफ क्योंकि उमैयत सफ़ेद झंडा यूज़ करते थे सफ़ेद साफ़ा यूज़ करते थे सफ़ेद कपड़ा यूज़ करते थे तो ये एक बहुत बड़ी जो एक एक दूसरे के साथ समझिए जो टसल थी वो इतनी इतने बड़े लेवल पे थी कि वो हर लिहाज से एक दूसरे से नफरत का इजहार करते थे ख़ास तौर से अब जो ये लोग उम्मयत के खिलाफ खड़े हुए हैं और पर्शिया में जो है जो सफ़ेद कलर है वो, 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 वो मॉर्निंग का या डेथ का जाता था जब कहाँ कोई मर जाता था वो लोग सफेद कपड़ा थे बिल्कुल उलट था अच्छा अब आप ये देखिए कि ये जो हल्का सा पिंकिश एरिया है इसको थोड़ा ये 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 खुरासान है ठीक है अब इसमें देखें पार्ट ऑफ ईरान है तुर्कमेनिस्तान है थोड़ा सा उज़्बेकिस्तान है ताजिकस्तान है और ज्यादातर अफगानिस्तान है तो ये था खुरासान इसको आप लोग अपने जहनों में क्लियर कर लें क्योंकि यहाँ से बहुत से रेफरेंसेज मिलेंगे जो आपको पता चलेगा कि खुरासान कहाँ पर है अच्छा अब मुस्लिम जो जैब की जंग हुई थी वो तकरीबन इस जगह हुई थी इसको एक और क्लियर नक्शे में आपको यहाँ दिखाता हूँ यहाँ से खुराशान से मुस्लिम खुराशानी अपनी सारी फोर्सेस लेकर आया ये जो ब्लैक एरोज नजर आ रही हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे कबाइल थे या इन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता तैयार करके ये चारों तरफ से इनको लेके आया गया और उसके बाद फिर यहाँ से आप समझ लीजिए दमिश से यानी सीरिया से ये मरवान की फौजें आई तो जैब का मकाम था यहाँ पे जंग हुई बैटल ऑफ जैब और ये बहुत बड़ी समझिए कि एक जंग थी जिस जिसने दम पायर ठीक है तो ये नक्शा जहन में रखिए अच्छा अब अब्बास खिलाफत खेल, जो है वो आप समझ लीजिए कि शुरू हो रही है सात सौ पचास से लेके 750 से लेके 1258 तक तकरीबन थर्ट कैलफ आए जो कि आप समझ लीजिए कि ये सीरिया इराक और ये पूरे इस एरिया पे काबिज रहे लेकिन उसके बाद फिर इनकी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता आता आहिस्ता कम होनी शुरू हो गई जिस तरह उम्मयत के खिलाफ लोग खड़े हुए थे अब्बासी हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए और फिर अब्बासी हुकूमत बेसिकली सिमट के सिर्फ चली गई थी कायरों में काहिरा में इजिप्ट में और वहां पे फिर एक सिंबॉलिकली uh, वहां के जो ममलोक हुकूमत थी उस जमाने में ममलोक वहां पे काबिज थे नॉर्थ अफ्रीका में खासतौर से इजिप्ट में तो उन्होंने अब्बासियों के क्योंकि सपोर्टर थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है खिलाफत तुम्हारे पास रहेगी तुम लोग रिलीजियस अफेयर्स को देखो लेकिन पोलिटिकल अफेयर्स को हम देखेंगे ठीक है तो सियासी चीजें ममलोक हुकूमत ने संभाली हुई थी लेकिन सिम्बालिकली अब्बासी खलफा फिर चले हैं 1517 तक 1517 तक फिर कायरो में समझ लीजिए 17 कैलिफ और आए 17 कैलिफ्स फिर कायरो में आए तो टोटल इनको आप मिलाएं तो 750 से लेके और 1570 17 सेवन्टी, तक आपको अब्बासी खिलाफत का वो मिलेगा लेकिन असली खिलाफत जो है 1258 में इनकी खत्म हो गई थी अच्छा अब ये छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है आप लोगों के लिए तो ये आप लोग स्लाइड्स में देख सकते हैं कि अबुल अब्बास अब्दुल्ला सफा को Uh, इसका फाउंडर कहते हैं बासी हुकूमत का उसके बाद इसका भाई आया मंसूर फिर बेटा मेहदी हादी हारून रशीद अमीन रशीद मामून रशीद ये सारे वेरी पॉपुलर हैं और हम इनका बहुत तफसील से जायजा लेंगे खास तौर से मामून रशीद और अमीन रशीद और खास तौर से मामून रशीद का तो हार रशीद के बाद ये गोल्डन पीरियड कहलाता है मुस्लिम अम्पायर का और उसके रशीद ने भी जितनी हुकूमत की उसके असलाहत किए और चेंजेस किए तो ये इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद के जितने लोग आए थोड़े थोड़े बीच में मशहूर हुए लेकिन ज्यादातर इसमें जो है वो अपनी बस हुकूमत करके चले गए तो आप समझ लीजिए ये सिलसिला है इस तरह करके और आखिर में इनका अहमद अल मुस्तंसर जो है इनका लास्ट खलीफा था और इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह पूरी अब्बासी खिलाफत को हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे ठीक है अच्छा अब आपको मैं ये थोड़ा सा चार्ट दिखा दूं जो के जिसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है चूंकि अब अहल बैत और मैत की बात हो रही है आपको पता है कबीला खुराश की सारी आला ओलादे हमने जिक्र कर लिया बनो उमैया यहाँ पे ख़त्म हो गई हुकूमत करके मरवान आखिरी उनका चश्मो चराग था अब जो है हजरत अब्दुल अब्दुलमलिब के जो बेटे थे एक थे हजरत अब्दुल्ला जिनसे मोहम्मद सल्ला और फिर ये अह बैत का सिलसिला है हमल् <प्रावाद> फिर हज़रत फातमा रौदील्ला तक की शादी हज़रत अली से हुई फिर हज़रत हसन हसैन रौदी तुम्जमाइन फिर अली इबन हुसैन जिनको ज़ैन अलाब्दीन भी कहते हैं फिर उनके बेटे इमाम बाकर फिर इमाम जाफ़र सदक फिर इनके दो बेटे थे मूसा और इसमाइल और यहाँ से ये शिन्हन अली का सिलसिला आज तक चल रहा है लेकिन इसमें मज़ीद तकरीबन पच्चीस तीस और फैक्शन बन गए हैं लेकिन बहरल ये सिलसिला जो इमामत का सिलसिला शुरू होता है वो हज़रत अली से शुरू होके और इस तरह से आगे चलता है ठीक है तो अब ये अब शान अली के लिए आ, इस वक्त इनकी इनकी हुकूमत जरूरी थी वो समझते थे कि हुकूमत अहल बैत को मिलने चाहिए हजरत अब्बास रज तुम खानदान में थे ये थे तो हजूर सल्लाम के चचा तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो थे वो इनके कजन थे तो जो इनकी आल औलाद थी इन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि अहल बैत की हुकूमत होनी चाहिए अब चूंकि इनके पास काफी पावर थी ये लोग काफी मशहूर हो गए थे अबुल अब्बास दैट तो अब इन्होंने जब आप समझिए कि ये पूरा खानदान और ये पूरा खानदान मिल गया था तो इन्होंने मिल के फिर जब इनके खिलाफ खड़े हुए तो इन्होंने इनकी हुकूमत खत्म कर दी तो अब ये नक्शा जहन में रखिएगा ये चार्ट ठीक है और फिर आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखा कि हजरत अब्बास की जो अलाद है वो ये है फिर यहाँ पे अबू अबुस्फ़ा फिर उनके भाई मंसूर मेहदी हादी और हारून रशीद तक ये सिलसिला गया और उसके बाद फिर आगे चलता रहा इसी तरह से हजू सल का जो सिलसिला था वो ये बैत का सिलसिला है इसके आगे भी हमें इनशा चार्ट दिखाऊंगा जिसमें तफसील से आपको बाकी सारी चीजें मिलेंगी अच्छा अब मैं बस चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को नक्शे के लिहाज से अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं अब हम मूव uh, कर रहे हैं जो बनो बनोमैया की हुकूमत थी इसके बाद अभी आपको है हिशाम की जो आल आलोलाद थी शाम का पोता जो था वो बच गया था इस पूरे के ऑस में और फिर वो स्पेन की तरफ चला गया था तो वो अब हम देखेंगे कि नक्शे में किस तरह से क्या सिलसिला हुआ सेवन सात सौ दस ईस्वी में जो ये मुसलमानों की हुकूमत जो ग्रीन में आपको सारी नजर आ रही है ठीक है ये बर्जेंटाइन अम्पायर पिंक में जो है ये फ्रेंच हुकूमत यहाँ पे है अभी ये बिल्कुल स्पेन के ऊपर और यहाँ पे चल रही थी जिसके जिसके ऊपर फिर मुसलमानों ने कब्जा किया था ठीक है मुसलमानों ने यहाँ से तारक बिन जियाद जो थे वो टंजीर के गवर्नर थे तो यहां से उन्होंने फिर हमला करके और ये कब्जा कर लिया था अच्छा देखें सात में ये था अब सात 12 में 711 में यह कब्जा हो जाता है तो 733 का नक्शा क्या है कि मुसलमानों की हुकूमत ये पूरी यहाँ पे सेंट्रल एशिया अरब नॉर्थ अफ्रीका और पूरा स्पेन अब ये मुसलमानों की हुकूमत हो गई है लेकिन ये हुकूमत जो है ये बनु उमैया के अंदर है और ये सारी अब बनो अब्बास के अंदर है पूरी की पूरी ठीक है दोबारा तो से, से चीजें कम होना शुरू हुई थी अब आपको एक सीक्वेंस में ये दिखा रहा हूँ का का कैसे शुरू हुआ सेवनटीन फिफ्टी सिक्स में जो है ये सेवनटीन फिफ्टी सिक्स का नक्शा है फिर ऊपर से फ्रांस से और दूसरी जगहों से लोग आना शुरू हुए क्रिश्चन दाखिल होना शुरू हुए तो अब ये छोटी छोटी सी रियासतें बन गई हैं जो मुसलमानों को हरा के ये सारा आना शुरू हो गए ये नक्शा है 940 सौ ईस्वी का 940 एडी का अभी भी उमैद हुकूमत है यहाँ पे जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं फिर और कम हुई फिर अब यहाँ पे इस्लामिक आ यानी इस्लामिकरहमान के खानदान वाले खत्म हो गए उमैया उमैया खानदान तो खत्म हो गया लेकिन जो इस्लामिक अम्पायर थी वो अभी खड़ी हुई है लेकिन वो कम होती चली जा रही है अब ये ग्रीन में इस्लामिक अम्पायर है बाकी ये ऊपर से मजीद छोरेश हो रही है इलेवन सिक्सटी टू में जबकि आप समझ लीजिए कि आप तकरीबन आधे से भी कम रह गया है मुसलमानों की हुकूमत ऊपर से ये लोग आना शुरू हो गए उसके बाद फिर मजीद कम हुआ ट्वेल्व ट्वेल्थ ए डी में इस वक्त अलमोहट टेरिटोरी हो गई थी ये सारी अलमोहट डायनेस्टी थी यहाँ पे जो कि ये लोग भी बर्बर्स भी थे और कुछ और अरब भी थे जो यहाँ पे आ गए थे अब देखिए ये जाके ट्वेल्व सिक्सटी फाइव में सिर्फ और सिर्फ गर्नाता की हुकूमत रह गई थी बाकी पूरे पे कौन था ये दूसरे यहां पे पुर्तगाल के लोग आना शुरू हो गए थे पुर्तगाल बनना शुरू हो गया था फ्रांस से नीचे शोरिशें हो रही थी यहां पे बिल्कुल नॉर्थ में सब चीजें ये जो पहले थे उन्होंने दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया था और ये क्रिश्चियंस अब जो हैं ये यहाँ पे कब्जे करने शुरू हो गए थे तो ट्वेल्व में इस्लामिक किंगडम ऑफ ग्रेनाडा सिर्फ इतनी सी रह गई थी और फिर ट्वेल्व फोर्टीन में ये पूरे का पूरा ख़त्म हो गया मुसलमान यहाँ से निकाल दिए गए आखिर में उन लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया गया अगर वो नहीं बनते थे तो उनको या तो कत्ल कर दिया जाता था या समंदर की तरफ फेंक दिया जाता था बहुत से समंदर में अः गर्क हो गए बहुत से फिर वापस सीरिया की तरफ आए फिर बाज जो आज का अल्बेनिया है, वहां की तरफ गए ग्रीस की तरफ गए बाज वापस मोरक्को की तरफ आए तो बेसिकली इसको बेस, मुसलमानों से पाक कर दिया और इसमें हर जगह क्रिश्चियनिटी को इम्पोज कर दिया गया तो ये फोर्टीन में मुसलमानों की हुकूमत पूरे स्पेन में खत्म हो गई अच्छा अब हम इनशाला चुके वासम जावेद का सेशन है पूरे थर्टी मिनट्स हो गए तो खिलाफतुलिस जो है वो अब हम तफसील से शुरू करेंगे मैं सोच रहा था आज अब्दुलर रहमान दाखिल को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे लेकिन इनशाला अब आसिम जावेद का सेशन है तो हम इसको अगले उस पे रखते हैं तो अब आप लोग थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि उम्मयद हुकूमत का खात्मा मेन एरियाज में कैसे हुआ अब्बासी हुकूमत का किस तरह से चर्चा हुआ और अब अब्दुलरहमान दाखिल जो है वो वहां से किस तरह से भागे इसको भी हम डिस्कस करेंगे और फिर वो स्पेन पहुंचे और क्योंकि वहां पर अभी उमैय रूल के गवर्नर और उसके मानने वाले लोग थे तो उन्होंने इनको हाथों हाथ लिया और फिर फाइनली ये खलीफा बन गए वहाँ के और तकरीबन 32 इयर्स इन्होंने हुकूमत की 1756 से लेके 1788 756 से लेके 788 तक और फिर उनका इंतकाल हो गया तो फिर इनके बेटे ने किया तो अब इंशा अल्लाह ताला हम अगला सेशन जो है वो तजकीत नफ्स पार्ट 2 होगा आसिम जावेद इंशा शुरू करेंगे आसिम मैंने आपको होश बना दिया है तो अभी जैसे मैं अनशेयर करता हूँ तो फिर मेरे सेशन के बाद आप इनशाला अपने स्क्रीन शेयर कर लेगा आज के लिए इतना ही सुखानबरक इला अच्छा एक सेकेंड हाँ, ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दू